जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम लोग बैरोमीटर जो प्रेशर को मेजर करने में इस्तेमाल होता है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम में आता है। कैसे बनाते हैं हम लोग बैरोमीटर, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे बैरोमीटर में क्या करते हैं लोग कि एक कोई कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर मरकरी भरा होता है। मरकरी आप सबने देखा होगा, कभी अगर आपके घर में थर्मामीटर टूट जाए, ठीक है, तो थर्मामीटर में से मरकरी निकलता है। देखा है कि नहीं आप लोगों ने? तो नहीं देखा हुआ है, मरकरी निकलता है, बड़ा बढ़िया लिक्विड होता है ऐसे, मतलब जैसे लिक्विड जैसा रहेगा, उसको अगर मतलब टच करोगे तो वो रोल करने लगेगा एकदम बॉल की तरह, ऐसे मार दोगे चार पांच टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर उसको पास लाओगे फिर सब मिलके एक हो जाएगा। बड़ा मतलब उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। लोग ऐसा बताते हैं पॉइजनस होता है, तो हमने तो थर्मामीटर तोड़े इस चक्कर में मरकरी निकलेगा, इतना मजा आता है उसके साथ बचपने में, इतना उसके साथ खेलने में मजा आता है। लोग ऐसा बताते हैं पॉइजनस होता है, शायद वो खा वाले तो कोई खा ले तो भाई नुकसान हो जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एनीवे, तो इसके अंदर मरकरी भरा रहता है और लगभग एक मीटर लंबी एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब की लंबाई लगभग एक मीटर के बराबर होती है और इस ट्यूब में हम लोग ये मरकरी भर देते हैं। ये जो मरकरी है ट्यूब को यहाँ ले जाएंगे, ले जाके किसी कप वप से चम्मच से इसमें मरकरी भर देते हैं। पतली सी ट्यूब होती है और मरकरी इसके अंदर जब भरते हैं तो लबालब भरते हैं। लबालब भरने का मतलब ये है कि बिल्कुल इसमें जरा से भी एयर गैप नहीं होना चाहिए। जरा सा भी एयर गैप होगा तो बैरोमीटर फॉल्टी बनेगा, गलत बैरोमीटर बन जाएगा। तो हम लोग इसको पूरा लबालब भर के और इसको कॉर्क से बंद कर देते हैं। ये मरकरी का एक बर्तन है जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ है और ये एक मीटर लंबी लगभग ट्यूब है और इसमें ऐसा होता है। फिर हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को उल्टा करते हैं, उल्टा करके ले जा इसमें डालते हैं, ठीक है, और इसमें दोनों को जब मिलाते हैं, मिला करके जब इसमें डालते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है। उल्टा किया इस ट्यूब को और इसको मरकरी में डाला मैंने, और मरकरी में डालने के बाद जो कॉर्क है खोल दिया, कॉर्क हटा दिया। अब कॉर्क जब हम हटा देंगे तो जैसे उल्टा करेंगे, अगर मान लो ऐसे हवा में ही होता तब तो पूरा गिरने का चांस रहता, लेकिन जब हमने कॉर्क हटा दिया तो ये मरकरी इसमें लेवल फॉल तो करता है लेकिन पूरा फॉल नहीं करता है, पूरा फॉल नहीं करता है और ये यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, निर्वात बच जाता है, यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसमें कोई डाउट आपको? जैसे हम ऐसे भरेंगे, कई बार ऐसे देखो इसको करके भी आप देख सकते हो, नहाते समय कोई ग्लास ले लो और ग्लास को पानी में डाल दो, उसके बाद ग्लास निकालोगे तो उसके साथ पानी ऊपर तक चला जाता है, ठीक है, फिर पानी काफी ऊपर ले जाओ झटका उठका दो तो पानी गिर जाता है, या कई बार नहीं भी गिरता है, पतली पाइप रहेगी तो नहीं गिरेगा। तो ये इसमें क्या है कि जो मरकरी कॉलम है उसका लेवल फॉल करता है लेकिन पूरी तरह से फॉल नहीं करता है। अब पूरी तरह से फॉल नहीं करता और यहां पर वैक्यूम हो गया। अच्छा, किसी भी लिक्विड में हम जानते हैं कि सेम हाइट पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, तो यहां पर और इस जगह पर जो प्रेशर की वैल्यू आती है वो सेम आती है, तो दोनों जगह प्रेशर सेम आ जाएगा। यहां पर जो प्रेशर है वो पी नॉट है और यहां पे जो प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा। यहां का जो प्रेशर है वो इस पॉइंट का प्रेशर प्लस इतनी हाइट का प्रेशर, यहां तो वैक्यूम है, तो यहां अगर वैक्यूम है तो जो पी नॉट आएगा वो किसके बराबर जाएगा, रो जी एच के बराबर। नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में ये जो हाइट आती है ये 76 सेंटीमीटर के बराबर आती है नॉर्मल। अब किसी दिन आधी तूफान आया है तो ये वैल्यू थोड़ी कम भी हो जाएगी, 75-74 हो जाएगी, आधी तूफान का मतलब प्रेशर थोड़ा कम हो गया है। किसी दिन गर्मी बहुत ज्यादा है, हवा एकदम रुकी हुई है, तो हो सकता है 77 हो जाए, पर नॉर्मल कंडीशन में ये जो पी नॉट मतलब जो हाइट आती है वो 76 सेंटीमीटर आती है। तो वैसे तो प्रेशर 1 atm जो होता है वो 10^5 पास्कल के बराबर होता है, लेकिन बोलने के लिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि 1 atm जो है वो मरकरी के 76 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है, 76 सेमी ऑफ एचजी के इक्विवेलेंट होता है, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। तो खैर, तो पी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो रो जी एच के बराबर आ जाएगी और एच जो है ये यहाँ की हाइट हो गई और नॉर्मल कंडीशन में ये एच जो है ये होता है। अब इसमें एक जैसे कई तरह के बैरोमीटर से जुड़े हुए सवाल बनते हैं, एक इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लिया जाए कि ये जो मैंने पाइप थी इस पाइप के अंदर मतलब पूरा लबालब मरकरी नहीं भरा होता, थोड़ा सा गैप छोड़ देता मैं, थोड़ा सा हल्का सा गैप छोड़ के कॉर्क लगा देता, तो उस कंडीशन में बैरोमीटर की रीडिंग पे क्या असर पड़ता,
मान लो कि ये पाइप एक मीटर लंबी थी, हमने 99 सेंटीमीटर मरकरी भरा, एक सेमी गैप छोड़ के कॉर्क लगा दिया और फिर उसको ऐसे पलट दिया और पलटने के बाद फिर बैरोमीटर बनाया, तो ये रीडिंग जो आती जो एच आता है 76 सेमी से कम आता है या ज्यादा आता है या बराबर आता है? हाँ, कम आता है या ज्यादा आता है या बराबर आता है? बराबर नहीं होता, कम हो जाता है, क्योंकि जो एयर है प्रेशर लगाएगा। बिल्कुल, देखो जब जब मान लो यहाँ थोड़ा सा एयर कॉलम होगा, इसको उल्टा करोगे तो एयर ऊपर चली जाएगी। नहीं वैक्यूम नहीं, थोड़ा सा कम भरा है ना, तो वहाँ एयर तो रहेगी रहेगी, और फिर उसका जैसे ही उल्टा करेंगे वो एयर बुलबुला बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ भी वैक्यूम नहीं रह जाएगा। अब यहाँ मान लो थोड़ा बहुत प्रेशर है तो उस प्रेशर से भी दबेगा ना ये, तो जो हाइट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ये अगर मान लो कि थोड़ा सा थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर एयर छूट गई तो फॉल्टी बैरोमीटर हो जाता है और जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी। एक बात आ गई, एक सवाल ये इससे जुड़ा हुआ बनता है, समझ गए कि अगर हम पूरा एक मीटर पूरा ना भर के थोड़ा सा कम भरें तो रीडिंग कम आ जाती है। एक बात ये आ गई। दूसरी इसके अंदर ये बात आती है कि हम बैरोमीटर बनाने में, जब हम बैरोमीटर बनाते हैं तो हम मरकरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मरकरी बहुत ही महंगा जो है वो मेटल है, हम और सबसे जो बढ़िया पानी का इस्तेमाल कर ले, तो पानी का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं बैरोमीटर में? तो मतलब डेंसिटी, जैसे मरकरी की डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ, मरकरी की जो डेंसिटी आती है इट इज 13.6 × 10³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ये दोनों की डेंसिटी का फर्क है। सीजीएस सिस्टम में ये 1 होगा, ये 13.6 होगा सीजीएस में, और एमकेएस में ये आता है। तो इस सवाल जो ये बनता है कि भाई हम मरकरी कॉलम के बजाय लिक्विड कॉलम में मरकरी के बजाय हम लोग पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है, किस तरह से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन चलो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम मरकरी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 होता है रो जी एच, वो तो उतना ही रहेगा जितना है। अब अगर मैंने मान लो पानी का इस्तेमाल कर लिया तो P0 तो वही रहेगा 10⁵। वैसे 1.01 × 10⁵ होता है, लेकिन हम 10⁵ मान रहे हैं। पानी की डेंसिटी हो गई 10³ और जी जो है वो 10 हो गया, ये एच हो गया, तो लगभग जो है 10 मीटर ऊंचा जो है पाइप लेना पड़ेगा। 10 मीटर लगभग कितना होगा? ये कमरा जो आप एक फ्लोर देख रहे हो, हाँ, तो ये पूरा जो बिल्डिंग है या ये फ्लोर जो है ये लगभग कितने मीटर की होगी? 5 मीटर हो ज्यादा हो जाएगा, 3.5 मीटर मान लो, अगर 3 मीटर तो 3 माले की बिल्डिंग हो जाएगी। तो अगर मान लो कि आप पानी इस्तेमाल करना चाहते हो तो पानी तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन आपको मतलब 3 फ्लोर के बराबर एक ऊंची पाइप बनानी पड़ेगी, फिर उस पाइप को कंपनी से बना के उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, और फिर उसके बाद मान लो पाइप वाइप लगा भी दी गई तो रीडिंग लेने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, चढ़ के जाएगा आदमी रीडिंग लेने ऊपर, तो बड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा लिक्विड कॉलम हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोग मरकरी के बजाय पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए। एक ये बैरोमीटर से जुड़ा हुआ सवाल बनता है। अब उसमें एक और सवाल बनता है कि अगर इसी बैरोमीटर को हम एक लिफ्ट में रखें और एक्सीलेट करा दें, लिफ्ट में रखें और लिफ्ट को एक्सीलेट करा दें, तो बैरोमीटर की रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा? ये बैरोमीटर जो है इसको लिफ्ट में रखें और लिफ्ट को अपवर्ड एक्सीलेट करा दें, तो जो लिक्विड कॉलम की हाइट है इस पर क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। देखो पी नॉट तो सेम रहेगा, लेकिन जी की जगह जी प्लस ही आ जाएगा। अगर आप लिफ्ट के फ्रेम में चले गए ना, स्यूडो फोर्स लगेगा, तो इफेक्टिवली जी जो है वो जी प्लस ही हो जाएगा। तो ये चीज तो सेम रहेगी, ये जी बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये क्या होगा? घट जाएगा, तो हाइट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और लिफ्ट नीचे की तरफ अगर एक्सीलेट करा देंगे तो उस कंडीशन में ये हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर इसी को लेके मून पे चले गए तब क्या हो जाएगा? यही पूरा बैरोमीटर लेके मून पे चले गए तब क्या होगा? मून पे P0 होता है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है ना, तो मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, तो मून पे P0 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, हाँ, मतलब वो मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं, फ्लैट रहेगा, वो फ्लैट रहेगा, पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बैरोमीटर से जुड़े हुए तरह तरह के जो सिचुएशंस हैं वो लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं।
अब ये जो बैरोमीटर होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है, और इसकी जो रीडिंग होती है उसको हम लोग 1 bar भी बोलते हैं, बार के नाम से भी जाना जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी मदद से हम लोग मेजर करते हैं। एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर 2 liquid भरे हुए, एक ये वाला लिक्विड है और जो दूसरा लिक्विड है उसको मैं अलग ही कलर से बना दे रहा हूं। ये इसकी हाइट जो है H1 है, इसकी हाइट H2 है, ये वाला जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है ρ2 इस वाले का, और नीचे वाले का जो डेंसिटी है ये ρ1 है। ठीक है, 2 liquid भरे हुए हैं इसमें, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और यहां पर एक पिस्टन लगा है, यहां पर इस जगह पर एक पिस्टन लगाया है, और हम 3 points यहां पर लोकेट कर रहे हैं। एक A है जो पिस्टन के ठीक नीचे है, एक बी है जो इंटरफेस पे है दोनों के, और जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल एकदम सबसे नीचे है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द पिस्टन इज लाइट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P naught. The piston is light and atmospheric pressure is P naught. Find the pressure at points A, B and C. Find the pressure at points A, B and C. Piston हल्का है, piston का अपना कोई mass नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है, हाइट H2 है, नीचे वाले की डेंसिटी ρ1 है, हाइट H1 है, तो आपको ABC पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के बराबर है, ये आपको करना है, निकालें ABC पर प्रेशर। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जैसे A पॉइंट पे मुझे प्रेशर निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो पिस्टन है ना इसका मैं FBD बना लेता हूं, इस पिस्टन का मैं FBD बनाता हूं। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो इस पे बाहर से जो लग रहा होगा फोर्स वो कितना लग रहा होगा P0 × E, और इधर से जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा PA × E। बाहर से प्रेशर फोर्स इतना लग रहा है P0 × A, यहां से लग रहा है PA × A। अब क्या है कि इसका अपना कोई मास तो है नहीं, तो सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, दोनों को बैलेंस करूंगा मैं तो PA की जगह क्या आ जाएगा, PA की जगह मैं लिख सकता हूं P0। अच्छा, अब मुझे A पे प्रेशर पता चल गया तो B का प्रेशर होगा, A का प्रेशर प्लस इतनी हाइट का प्रेशर, तो B का जो प्रेशर होगा वो इसका प्रेशर होगा, यानी P0 + ρ2 g H2, ये हो जाएगा। और अगर मुझे C का प्रेशर निकालना है तो B का प्रेशर प्लस इतनी हाइट का प्रेशर, तो C का जो प्रेशर आएगा वो आएगा P0 + ρ2 g H2 + ρ1 g H1, ये हो जाएगा। A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर, इन तीनों का जो प्रेशर है, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, इसी ही जो क्वेश्चन है इसी के अंदर एक और पार्ट बनता है, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है इफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द पिस्टन फाइंड द प्रेशर at find the pressure at A, B and C.
हमने क्या किया, इसी पिस्टन के ऊपर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल सिमेट्रिकली यानी बीचों बीच रख दिया, ठीक है। तो अगर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल रख देंगे तो फिर आपको ए बी और सी पे प्रेशर की वैल्यू बतानी है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो देखें जरा ध्यान से, तो मैं फिर से एफपीडी बनाता हूं इसका। अगर मैं फिर से एफपीडी बनाऊंगा तो इसके ऊपर एक तो जैसे नीचे की तरफ एमजी अलग से लगने लगेगा, जो पिस्टन है उसका मास एम होगा, तो सॉरी पिस्टन नहीं पार्टिकल का मास एम होगा, तो एक एमजी अलग से लगने लगेगा। बाहर से जो लग रहा है पी नॉट इंटू ए लगता ही रहेगा, अंदर से जो लग रहा है पी ए इंटू ए ये लगता ही रहेगा। अब अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो पी नॉट ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी ए इंटू ए, तो पी ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए। जो पी ए की वैल्यू आएगी वो पी नॉट प्लस एम जी बाई ए के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब पी ए जो है पी नॉट प्लस एम जी बाई ए के बराबर आ गया। अब जो मुझे बी पे प्रेशर निकालना है तो वो ए का प्रेशर प्लस इतनी हाइट का प्रेशर, तो बी का जो प्रेशर आएगा इस बार ये आएगा पी नॉट प्लस रो टू जी एच टू प्लस एम जी बाई ए, ये आ जाएगा भाई, वही उसमें एम जी बाई ए एड हो जाएगा। और अगर मैं सी पर प्रेशर निकालूं तो सी पर जो प्रेशर आएगा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू प्लस एम जी बाई ए, ये सी का प्रेशर आ जाएगा। तो ए का प्रेशर, बी का प्रेशर, सी का प्रेशर, इन तीनों का जो प्रेशर होगा वो यहां पर आ गया। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुने, मैंने क्यों ये क्वेश्चन आपको करवाया है इस बात को समझे। तो अगर देखें तो ए का प्रेशर, बी का प्रेशर, सी का प्रेशर अगर आप देखेंगे तो जो पहले आया था उन सब में एम जी बाई ए एड हो गया। जैसे ए में आया था पी नॉट तो एम जी बाई एड हो गया, बी में आया था पी नॉट प्लस रो टू जी एच टू, तो इसमें एम जी, सब में एम जी बाई एड हो गया। अब इसी बात को अगर हम और अच्छे से समझे तो इसी को हम एक खास नाम से बुलाते हैं, ये जो बात आई है इसको हम लोग पास्कल्स लॉ के नाम से जानते हैं। पास्कल का नियम यह कहता है कि अगर कोई स्टेशनरी लिक्विड है, रुका हुआ लिक्विड है, और लिक्विड के किसी एक पॉइंट पे हमने प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दी तो उतना ही प्रेशर में चेंज पूरे लिक्विड में हर जगह हो जाता है, और इमीडिएटली उतना ही प्रेशर में चेंज पूरे लिक्विड में हर हो जाता है। हमने पार्टिकल रखा तो यहीं पर प्रेशर बढ़ाया था ना, यहां पर बढ़ाया तो हर जगह जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ गया। तो इसको हम लोग पास्कल्स लॉ कहते हैं। पास्कल का नियम यह कहता है कि किसी भी स्टेशनरी लिक्विड में अगर हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर का चेंज डेल्टा पी कर दें तो उतना ही प्रेशर का चेंज पूरे लिक्विड में एक साथ हर जगह हो जाता है। इसे हम लोग पास्कल्स लॉ कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है, इसका हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे इसको रोज ही यूज करते हो आप, सुबह सुबह जब आप ब्रश करते हो और ट्यूब से पेस्ट निकालते हो तो आप पास्कल के नियम से निकालते हो। पेस्ट आप कैसे कैसे निकालते हो कि जैसे उसका ढक्कन आपने खोला, इसको इधर से आपने प्रेस किया तो इधर डेल्टा भी बढ़ गया, डेल्टा भी इधर बढ़ा तो पूरे लिक्विड में हर जगह डेल्टा भी बढ़ गया, तो जिस जगह पे खुला है वहां से वहां भी डेल्टा भी बढ़ेगा, बाहर भी नॉट ही है तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता, हो सकता है तुमने नोटिस किया हो, अब तो कम होने लगा, जैसे वो ट्यूब जो होती है जैसे एक जगह से फट गई मान लो, और आपने एक जगह से दबाया तो दो तीन जगह से निकलने लगता है, क्योंकि हर जगह ही बढ़ेगा ना वो, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ उसका जो गेट है वहां पे बढ़ेगा, हर जगह ही बढ़ेगा। तो ये पास्कल का नियम है कि किसी भी स्टेशनरी लिक्विड के अंदर अगर आप किसी एक जगह पे प्रेशर में कोई चेंज करते हो तो उतना ही चेंज इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि वो चेंज होने में टाइम लगेगा। जैसे ही आप ट्यूब को दबाते हो पेस्ट निकालने के लिए तुरंत ही पेस्ट निकलता है ना, ऐसा तो नहीं कि आपने ट्यूब अभी दबाई तो 10-5 मिनट के बाद पेस्ट निकलना चालू हुआ, पेस्ट तुरंत निकलता है इमीडिएटली। तो किसी भी स्टेशनरी लिक्विड में अगर आपने प्रेशर में चेंज किया, किसी भी मोमेंट पे चेंज किया आपने, किसी भी मोमेंट पे चेंज किया तो उसी मोमेंट पे पूरे लिक्विड में हर जगह डेल्टा पी के बराबर चेंज आ जाता है, एंड इसी चीज को हम लोग पास्कल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा मैं पास्कल्स लॉ की फील दिलाना चाहता था आपको, ठीक है। तो अब मैं पास्कल्स लॉ लिखने जा रहा हूं, पास्कल्स लॉ। इफ प्रेशर इन ए स्टेशनरी लिक्विड changes by delta p, pressure in a stationary liquid changes by delta p at a point, then pressure
एट ऑल द पॉइंट्स इन द लिक्विड चेंजेस बाय सेम अमाउंट. Then pressure, if pressure in a stationary liquid changes by delta P at a point, then pressure at all the points in the liquid changes by the same amount. ठीक है, किसी stationary liquid में अगर pressure जो है वो delta P से change हो जाता है किसी एक जगह पे. देखिए ये बड़ा मजेदार सवाल लेके आया हूं मैं. इसमें क्या है कि एक कार है, सच में असली खिलौना वाली कार नहीं, सच में एक कार है, बहुत बड़ी सी हैवी कार है, और इस कार का जो मास है वो इसका मास है 1000 किलो. 1000 किलो की ये कार है. और कार क्या, इसे ट्रक भी उठा सकते हैं, इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं. सच में होता है ये, ऐसा नहीं कि ये बस एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, सच में होता है. इधर एक कार है और पिस्टन जो है उसके ऊपर रखा गया है, और इधर जो है ये इधर एक पार्टिकल रखा गया है जिसका मास स्मॉल एम है. ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया दिया है 10 cm², और ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया दिया है 10 m². सर्विस स्टेशन पे जो गाड़ियां उठाते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह भी ऐसे एक रहता है, ऐसे घुमाते 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 गाड़ियां उठा देते हैं, तो उसमें कई बार हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड होता है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होता है. तो ये सपोज करें कि इधर एक पिस्टन है जिसके ऊपर छोटा सा मास एम रखा है, इधर एक पिस्टन है जिसके ऊपर एक कार रखी हुई है, दोनों सेम हाइट पे है, सिस्टम स्टेशनरी है, रुका हुआ है. ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्वेश्चन है, द सिस्टम इज स्टेशनरी. The system is stationary and the pistons are light. Find the value of mass. सवाल मैं समझाता हूं. सवाल ये कि ये पिस्टन भी हल्का है, ये पिस्टन भी हल्का है. ये वाली कार 1000 किलो की है, और इस वाले का एरिया 10 m² है, ये थोड़ा पतला, इसका एरिया 10 cm², और इसका मास mkg है. जो पार्टिकल छोटा सा रखा है इसका मास mkg है. तो अगर ये सिस्टम स्टेशनरी है तो इस पार्टिकल का मास आपको बताना है, अगर सिस्टम स्टेशनरी है तो पार्टिकल का मास बताना है. देखिए इसको सॉल्व करते हैं. इसके अंदर हमें ये पता है कि सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, तो जो यहां पर प्रेशर होगा वो यहां पे प्रेशर होगा. अब इस जगह पे जो प्रेशर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाल के देखा था, तो यहां पर जो प्रेशर है उसको मैं लिख सकता हूं P0 + mg / A1. ऐसा लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, फिर से निकाल दो कहो तो अगर किसी को डाउट हो तो. यहां पे जो प्रेशर आएगा वो P0 + mg / A1 आएगा, यहां पर जो प्रेशर आएगा वह जाएगा P0 + M g / A2. हजार है, तो 1000 g / A2 P0 से P0 चला जाएगा, और g से g चला जाएगा, और M / A1 = 1000/A2. यहां से सॉल्व करेंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी A1/A2, तो 10 cm² / 10 m² × 1000. तो सेंटीमीटर, अब 1 m होगा 100 cm, और उसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 10⁴ हो जाएगा. तो ये हो जाएगा, इधर आ गया 10⁴, और ऊपर आ जाएगा 10⁴, नीचे आ जाएगा 10⁵, तो ये आ जाएगा 0.1 kg, यानी कि 100 g के बराबर जो मास है वो इस पूरी पूरी कार को बैलेंस करेगा. और मैंने आपको बताया ये बस वास्तव में होता है, मतलब ये सच में ऐसा होता है, इसी को हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं. आप कई बार कार वगैरह में और बस वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक्स लिखा होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, उसका भी फंडा ये होता है कि एक जगह आप जरा सा प्रेशर मान लो चेंज किए, दूसरी जगह एरिया बहुत ज्यादा है, मतलब एक जगह आपने प्रेशर चेंज किया और दूसरी जगह एरिया बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर उतना ही हर जगह चेंज होगा, जब एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो ये एक मतलब पूरा एक डिटेल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मतलब मैकेनिज्म है, एक तरीका है जिसकी मदद से हम कम फोर्स लगा के बहुत ज्यादा फोर्स पा सकते हैं. तो बहुत कम फोर्स लगाया मैंने यहां पर, बहुत ज्यादा फोर्स मिल गया. ठीक है, स्टेशनरी लिक्विड में होता है ऐसा,
कई बार इसको देख करके हाइड्रोलिक लिफ्ट को देख कर लगता है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन और जो बाकी जो नियम है दुनिया के वो फेल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर इसका वर्क निकालोगे ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, और अगर आप वर्क निकालो ना, इस फोर्स का वर्क और इस फोर्स का वर्क, तो दोनों बराबर आएंगे। मतलब इसका चूंकि वॉल्यूम इधर कम रहेगा इधर ज्यादा रहेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा आएगा वॉल्यूम कंजर्वेशन से। और अगर आप वर्क निकालोगे तो दोनों का वर्क बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वायलेट हो रहा है या कोई भी और लॉ वायलेट हो रहा है, बस वो है कि हम जो प्रेशर का कंसेप्ट है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं ज्यादा अच्छे से। तो खैर, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो कि पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होता है। किसी एक जगह आप चेंज करोगे तो दूसरी जगह भी उतना ही चेंज आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और मैं आपको दे रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसको समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है और ये हर तरफ से बंद है, हर तरफ से, ऊपर से नीचे से दाहिने बाएं से बाएं से यहां से वहां से जहां से तहां से, और इसके अंदर रो डेंसिटी का एक लिक्विड भरा हुआ है और इसका हर साइड एल के बराबर है। जो क्यूबिकल कंटेनर है ये हर तरफ से बंद है, मतलब देखो बाकी पांच साइडों से तो बंद होगा, ऊपर से भी बंद है, बाकी पांच से अगर बंद नहीं होगा तो लिक्विड पूरा बह जाएगा। ऊपर से भी बंद है, हर टाइप साइड से पूरा एकदम क्लोज सील पैक है। ठीक है, हर तरह से ये जो है पूरी तरह से बंद है। अब इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी इन्होंने रो बता रखी है, तो रो डेंसिटी का जो लिक्विड है उसके हिसाब से हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। मैं पहले लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, द क्यूबिकल कंटेनर, द क्यूबिकल कंटेनर इज क्लोज्ड फ्रॉम all sides, closed from all sides, find the pressure by the liquid, find the pressure by the liquid on a vertical face. Find the pressure by the liquid on a vertical face. The cubical container is closed from all sides. Find the pressure by the liquid on a vertical face. और इसके आगे ये भी information है, ये भी लिख लेना, a liquid of density rho. Rho is completely liquid of density rho is completely filled. A liquid of density rho is completely filled inside the container. The whole container, the cubical container is closed from all sides. Find the pressure by the liquid on a vertical face. लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज कम्प्लीटली फिल्ड इनसाइड द कंटेनर। इसकी कोई एक वर्टिकल फेस मान लेते हैं, जैसे मैं फेसेस को नाम दे दूं, मान लो जैसे हॉरिजॉन्टल फेस को मैंने ए बी सी डी बोल दिया और दूसरी वाली अपर फेस को पी क्यू आर एस बोल दिया, तो कोई भी एक वर्टिकल फेस, वर्टिकल फेस इसमें देखें अगर आप लोग ध्यान से, तो जैसे बी सी आर क्यू ये वर्टिकल फेस हो गई, तो कंटेनर रखा हुआ है, तो कोई भी एक वर्टिकल फेस के ऊपर फाइंड द प्रेशर, नहीं प्रेशर बाय द लिक्विड, नहीं ये गलत लिखिए, फाइंड द फोर्स बाय द लिक्विड, फोर्स, फाइंड द फोर्स बाय द लिक्विड ऑन ए वर्टिकल फेस। कोई भी एक वर्टिकल फेस ले लें, जैसे मैं मान ले रहा हूं कि बी सी आर क्यू ये एक वर्टिकल फेस है, तो इस वर्टिकल फेस पे ये जो लिक्विड है कितना फोर्स लगा रहा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है और जो क्यूब है उसका हर साइड एल के बराबर है, ऐसा बता रखा है, तो बी सी आर क्यू फेस के ऊपर ये लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है कि जैसे मैं कोई एक फेस लेता हूं, मान लो ये बी सी आर क्यू जो फेस है, इस फेस के ऊपर मैं प्रेशर निकालना, फोर्स निकालना चाहता हूं, तो इस फेस में प्रॉब्लम क्या रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां से यहां तक हम जाएंगे तो धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो यहां पे प्रेशर के कारण फोर्स अलग आएगा, यहां अलग आएगा, यहां अलग आएगा, सब जगह अलग अलग आएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिप ले लेते हैं,
एक मैंने स्ट्रिप ली, इस स्ट्रिप की सरफेस से जो हाइट है उसको मैंने एक्स मान लिया और इस स्ट्रिप की जो मोटाई है उसको मैंने डीएक्स मान लिया। सरफेस से हाइट एक्स हो गई, इसकी मोटाई डीएक्स हो गई, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया आएगा, अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया लिखूं, पहले मैं इधर से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूं, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया आएगा डीए, ये हो जाएगा एल डीएक्स, ये स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। और अगर मैं इस जगह पे प्रेशर निकालूं, ठीक है, इस जगह पे मैं प्रेशर निकालूं, तो इस जगह पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा रो जी एक्स। वैसे तो पी नॉट प्लस रो जी एक्स होता है, लेकिन ये बंद बर्तन है तो इसमें एटमॉस्फेयर का कोई असर नहीं होगा, तो यहां जो यहां से यहां का प्रेशर जीरो है अंदर का, तो नीचे आने पे जो प्रेशर आएगा वो रो जी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहां का इस जगह का जो प्रेशर आएगा वो रो जी एक्स आ गया, स्ट्रिप का एरिया एल डी आ गया। तो अब मैं अगर फोर्स लिखना चाहूं तो फोर्स कितना आएगा, जो डी एफ आएगा वो आ जाएगा पी इंटू डी ए, प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर जो है वो है रो जी एक्स, और डी ए जो है वो कितना है एल डी एक्स, यह आ जाएगा। और अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करें, मैं यहां डीएफ लिखता हूं और मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 टू एफ और ये जाएगा 0 टू एल, ये चला जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो एफ की जो वैल्यू आएगी, एफ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रो जी एल, रो जी एल एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स जो होगा वो किसके बराबर जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 टू एल। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, रो जी एल क्यूब बाई टू, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो फोर्स आएगा वो रो जी एल क्यूब के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, इसको एक बार समझ लें अच्छे से। इसके अंदर क्या है, जो बर्तन है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और जैसे मान लो यहां इसी पूरे कमरे में मान लो पानी भरा होता, तो पानी जो होता वो ऐसे दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहा होता। जैसे मान लो मैं यहां एक छोटा सा होल कर दूं, होल कर दूंगा, जो पानी निकलेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगा, वो अलग बात है कि बाद में जाके नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण, लेकिन निकलेगा तो परपेंडिकुलर निकलेगा। यानी प्रेशर के कारण जो फोर्स होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब इस बर्तन के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके कारण जो भी फोर्स आएगा दीवार पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा, वो जो फोर्स आएगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा। प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्यों आई, क्योंकि यहां से यहां तक आने पे प्रेशर वेरी कर रहा था, तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ा। तो प्रेशर हो गया रो जी एक्स, एरिया हो गया एल डी एक्स, सॉल्व करके हमने निकाला तो ये इसके बराबर आ गया। ये तो एक बात आ गई। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक तरकीब इस्तेमाल करते हैं। तरकीब ये इस्तेमाल करते हैं कि ध्यान से पहले देख लें, फिर अब नोट करने का मैं टाइम दे दूंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक एक यूज की जाती है, जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक ये है कि जो इंटीग्रेशन बना था वो इंटीग्रेशन लीनियर बना था, लीनियर बना था। जब इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे बाई टू आ जाएगा, बाई टू आ जाएगा, तो जहां भी कहीं पर अब इसको ये पैटर्न आप लोग सोचना शुरू कीजिए। ट्वेल्थ में भी कई सारी इस तरह की सिचुएशन आती है कि जहां भी कहीं पर जो फंक्शन बनता है वो लीनियर बनता है, वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकालने के लिए एवरेजिंग कर देते हैं। एवरेजिंग कैसे, यहां पर जो प्रेशर का फंक्शन था वो लीनियर था, तो अगर मुझे अगर नॉन लीनियर होता, मान लो एक्स स्क्वायर होता इसके अंदर, तो नीचे बाई थ्री आ जाता, तब तो एवरेज में बाई टू तो नहीं काम चलता। लेकिन यहां पर जो कि लीनियर फंक्शन है तो एवरेजिंग कर देंगे, तो जो फोर्स आएगा वो बराबर होगा एवरेज प्रेशर इंटू टोटल एरिया। अब ध्यान से देखें एवरेज प्रेशर क्या होगा, यहां प्रेशर था जीरो, यहां था रोजीएल, तो एवरेज प्रेशर हो जाएगा रोजीएल बाई टू, एवरेज प्रेशर रो जी एल बाई टू हो गया और एरिया हो गया एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रो जी एल क्यूब बाई टू, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो फोर्स आएगा वो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक एवरेजिंग का भी इसके अंदर कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो इसको नोट करें। इसी में एक और क्वेश्चन में ले आया हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन प्रॉब्लम, फाइंड द, इन द गिवन प्रॉब्लम फाइंड द टॉर्क ऑफ द फ्लूड फोर्स ऑन साइड BCRQ about axis BC। सेम सवाल है,
इसमें सेम सब कुछ वही है जो पिछला क्वेश्चन था, इसके अंदर आपसे कह रहे हैं जो BCRQ फेस है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का टॉर्क कितना होगा। बीसी को अगर मैं एक्सिस मान लूं तो जो भी लिक्विड का फोर्स लग रहा है ना, इन द गिवन प्रॉब्लम फाइंड द टॉर्क ऑफ द फ्लूइड फोर्स ऑन द साइड BCRQ, BCRQ यानी ये वाली वर्टिकल साइड, और बीसी को एक्सिस मानते हुए BCRQ के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है। ये जो साइड BCRQ है इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो छोटा सा मैंने एलिमेंट बना रखा है अभी भी, इस एलिमेंट का जो फोर्स है वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। इस जरा से एलिमेंट का जो फोर्स है वो बराबर है प्रेशर इनटू इसका एरिया। प्रेशर है रो जी एक्स और एरिया था LDX। तो इस जरा से एलिमेंट का फोर्स आ गया। अब इस एक्सिस के अबाउट अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, वो एल माइनस एक्स हो जाएगी। यहां से डिस्टेंस एक्स थी तो ये वाली एक्सिस से दूरी देखेंगे ना हम, तो जैसे परपेंडिकुलर ऐसे इस पे एक्ट कर रहा होगा, तो यहां से यहां तक जो उस पर डिस्टेंस आएगी वो एल माइनस एक्स आ जाएगी। तो डी टाउ जो आएगा यानी जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी एल माइनस एक्स इंटू डीएफ। तो ये हो जाएगा LDF माइनस XDF, ये हो जाएगा। और अब मैं डीएफ की वैल्यू अगर यहां से रखता हूं तो डी टाउ जो आएगा वो आ जाएगा LDF, DF आ जाएगा आपका रो जी एक्स और एक L आ जाएगा, तो ये जाएगा रो जी L स्क्वायर XDX माइनस XDF, तो ये जाएगा रो जी L एक्स स्क्वायर DX, रो जी L एक्स स्क्वायर DX, ये डी टाउ की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की जो वैल्यू है जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही ले लेते हैं, और x की वैल्यू जाएगी 0 से L, ये भी जाएगा 0 से L, ये जाएगा 0 से tau, तो tau की वैल्यू आ जाएगी रो जी एल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स जो होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा रो जी L और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा L क्यूब बाई 3। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा रो जी L टू दी पावर 4 बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 - 1/3 - 1/6 आ जाएगा। तो ये जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, अगर इस एक्सिस के अबाउट में टॉर्क निकालना चाहता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जो आएगा वो रो जी L टू दी पावर 4/6 के बराबर आ जाएगा। नोट कर लें इसे। क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो दिया हुआ है, आपको ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, तीन कंटेनर्स है, तीन बर्तन है, और बर्तन जो है उन सबका बेस एरिया सेम है। जो क्वेश्चन बना हुआ है फिगर ध्यान से देखेंगे आप सब लोग तो समझ में आएगा कि तीनों का बेस एरिया सेम है, तीनों बर्तनों का बेस एरिया सेम है। बाकी इसमें तो क्या ये ऐसे पूरा है, ये ऐसे बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है इक्वल मास ऑफ मिल्क इज पोर्ड इन ईच कंटेनर, इक्वल मास ऑफ मिल्क इज पोर्ड इन ईच कंटेनर अरेंज द फोर्स बाई द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इक्वल मास ऑफ मिल्क इज पोर्ड इन ईच कंटेनर अरेंज द फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन असेंडिंग ऑर्डर। इस कंटेनर को हम 1 बोल दे रहे हैं, इसको 2 बोल दे रहे हैं, इसको 3 बोल दे रहे हैं। तीनों में मान लो 2-2 किलो दूध डाल दिया गया, बहता नहीं है दूध, ये बता रखा है। तीनों में मान लो 2-2 किलो दूध डाल दिया गया, तो जो दूध होगा वो इनके बॉटम पे फोर्स लगाएगा, पहले कंटेनर पे भी लगाएगा, दूसरे पे भी लगाएगा, तीसरे पे भी लगाएगा। तो आपको जो फोर्स लग रहा है ना, इक्वल मास ऑफ मिल्क इज पोर्ड इन ईच कंटेनर अरेंज द फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो पहला दूसरा तीसरा है उसके अंदर जो भी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। इसके अंदर आप देखें जरा ध्यान से,
तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे आपने बराबर लिक्विड अगर भर दिया, इक्वल मास भर दिया है, तो ये कंटेनर तो फैला हुआ है, चौड़ा है, चौड़ा है तो इसमें लिक्विड कम हाइट तक जाएगा। मान लेते हैं हाइट तक जो है, इसमें थोड़ा ज्यादा हाइट तक जाएगा, और चूंकि ये बहुत ही सकरा है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हाइट तक लिक्विड जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइट तक जाएगा। अब जिसमें जैसे हाइट सबसे ज्यादा है, यहां पे हाइट सबसे ज्यादा है तो यहां प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, एरिया सबसे सबका बराबर है, बेस एरिया, तो यहां प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और बेस एरिया इसका सबसे मतलब बराबर है सबका, और प्रेशर सबसे ज्यादा, तो यहां सबसे ज्यादा फोर्स आएगा, यहां सबसे कम फोर्स आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि F2 लेस देन F1 लेस देन F3, सबसे कम हाइट यहां होगी, फिर इंटरमीडिएट बीच वाली हाइट यहां पर होगी, और यहां की हाइट सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो F2 सबसे कम होगा, फिर F1 और F3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये कंटेनर जो है, ये कंटेनर में लिक्विड जो है लबालब भरा है, लबालब का मतलब पूरा बिल्कुल एकदम यहां तक भरा हुआ है, ये हाइट h के बराबर है, लिक्विड की डेंसिटी इन्होंने रो के बराबर दी है, बेस एरिया a के बराबर है, ठीक है, और जो लिक्विड भरा है उसका बेस एरिया ए के बराबर है। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज वी, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज वी, फाइंड द फोर्स बाय द साइड वॉल्स, फाइंड द फोर्स बाय द साइड वॉल्स ऑन द लिक्विड। एक इंफॉर्मेशन ये है, इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंटेनर है, ध्यान से सुन ले, कंटेनर का वॉल्यूम वी के बराबर है, पूरा लबालब भरा हुआ है, बर्तन की ऊंचाई जो है एच के बराबर है, बेस एरिया ए के बराबर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करना है, और इसकी डेंसिटी रो के बराबर है। तो आपको ये बताना है साइड वॉल्स, जो किनारे वाली जो है, एक तो बॉटम हो गया, एक जो साइड वॉल्स है, ये वाली जो साइड है, ये लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये आपको पता लगाना है। साइड वॉल्स जो है वो लिक्विड में कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के मुझे देनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें हमें साइड वॉल्स का फोर्स निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस क्वेश्चन में मैं लिक्विड का एफबीडी बना लेता हूं, एफबीडी में किसी का बना सकता हूं, मेरी मर्जी, तो मैंने लिक्विड का एफबीडी बना लिया। अब अगर इस लिक्विड के ऊपर फोर्सेस देखा जाए तो साइड वॉल्स जो है कुछ इस तरह से फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, इधर से परपेंडिकुलर ही होता है मेरा फोर्स, ये फोर्स लग रहा होगा, उधर से जो बॉटम है वो भी फोर्स लगा रहा होगा, बॉटम कुछ इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड के ऊपर, उसके अलावा लिक्विड पे और कोई फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा यार, लिक्विड का वेट mg, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करने के लिए बोला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इनफैक्ट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, ATMOS, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करना है। तो देखो इधर से साइड वॉल्स फोर्स लगा रही हैं, अब ध्यान से देखते जाइए, इधर से साइड वॉल्स ऐसे फोर्स लगा रही हैं, इधर से नीचे से फोर्स लग रहा है, इधर से एमजी लग रहा है। अब इसमें क्या होगा इसको समझ लो, देख लो एक बार ध्यान से कि ये जो फोर्सेस होंगे ना हॉरिजेंटल वाले सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो साइड वॉल ऐसे फोर्स लगा रही है सबके वर्टिकल कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे, उस पूरे को, इन सबके जो वर्टिकल है उस पूरे को मैं बोल दे रहा हूं सिग्मा एफ वाई। तो सिग्मा एफ वाई ऊपर की तरफ लग रहा है जो कि साइड वॉल्स लगा रही है, उसके अलावा एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, और यहां से भी फोर्स लग रहा होगा, यहां से फोर्स लग रहा होगा रो जी एच इंटू ए, अगर बेस एरिया ए के यहां पे प्रेशर होगा रो जी एच, तो यहां से लग रहा होगा। अब मैं सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देता हूं, नीचे की तरफ लग रहा है एमजी, ऊपर की तरफ लग रहा है सिग्मा एफ वाई प्लस रो जी एच इंटू ए, ये लग रहा है। अब ये बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम जी माइनस रो जी एच इंटू ए,
लेकिन इसका मास भी नहीं दिया है लिक्विड का, कोई बात नहीं, मास नहीं दिया है तो वॉल्यूम तो दिया है, मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इसकी रो है, वॉल्यूम वी के बराबर हो जाएगा रो वी जी माइनस रो जी एच इंटू ए, तो ये सॉल्व करेंगे तो रो रो जी कॉमन हो जाएगा, वी माइनस ए एच हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ वाई, रो जी इंटू वी माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको अगर हम विजुलाइज करना चाहें, नोट आप बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो इतना पार्ट है, समझना इसको, ये जो इतना पार्ट है उसका वेट तो बॉटम बैलेंस करेगा, और जो बाकी बचा हुआ है उसका वेट जो है वो साइड वॉल्स बैलेंस, अगर ये इतना यहां पे फोर्स निकालो तो इतने पार्ट के वजन के बराबर आएगा, इतने पार्ट का वजन निकालोगे अगर आप तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ए इंटू एच, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो अब इतने पार्ट का जो फोर्स आ जाएगा, देखो ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी, तो ये जो इतना सिलेंडर बन रहा है इसका वेट तो यहाँ बॉटम से बैलेंस होगा, और बाकी जो किनारे थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है ना, इसका जो वेट है ये साइड वॉल्स बैलेंस करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम में से देखो ए एच कब सब्ट्रैक्ट कर दोगे ये वॉल्यूम आ जाएगा, तो इस तरह से साइड वॉल्स का फोर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है।